हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको घर में लगने वाले लॉक्स के बारे में बताने चाहता हूँ। हमारे घर में कई तरह के लॉक्स होते हैं, जैसे मेन डोर पे लॉक है, बाथरूम में, रूम्स में। मोस्टली जो कमरों में, बाथरूम में जो लॉक लगता है वो होता है सिलेंड्रिकल लॉक। तो आज हम सिलेंड्रिकल लॉक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे उसको लगा सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम ये हुई, हमारा बाथरूम का लॉक खराब हो गया था। तो जब मैंने कारपेंटर को बुलाया तो उसने उसकी प्राइस बताई कि उसने पहले बोला कि आपका ये लॉक चेंज होगा, और फिर उस लॉक को रिप्लेस करने की जो प्राइस थी उसने 150 बताई, 750 का लॉक। तो टोटल 900 की उसने कॉस्ट बताई थी। जब मैंने खुद मार्केट में चेक किया तो 450 का लॉक आ रहा था जिसको मैंने खुद रिप्लेस किया। तो इस तरह से हम इतने बड़े खर्चे से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस लॉक के बारे में जानेंगे, फिर आगे देखते हैं। ये सिलेंड्रिकल लॉक है, इसमें जब आप इसको नया मार्केट से लेंगे तो आपको पहले ये लॉक मिलेगा, साथ में ये जिसमें ये नॉब जाता है ये एक सेक्शन रहता है, साथ में ये एक पार्ट है जो बेसिकली इसके अंदर जाता है और लॉक इससे कनेक्टेड रहता है, और यही आगे पीछे होके इससे लॉक होता है। साथ में ये एक टूल है छोटा सा जो बेसिकली इसको खोलने के काम आता है, और ये चाबी वाला लॉक है तो इसलिए इसके साथ एक चाबी मिली है। अब पहले देखते हैं कि ये सिलेंड्रिकल लॉक में क्या है। सिलेंड्रिकल लॉक में दो पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट है ये बटन वाला, जो नॉर्मली जो हमारा अंदर की तरफ रहता है, अगर बाथरूम में लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ रहेगा, और कीज वाला पार्ट जो है बाहर रहेगा। तो इसलिए इसके दो हिस्से हैं। सेकेंड, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक होल दिखाई दे रहा है। ये होल का काम क्या है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर आ जाता है, उसके बाद फिर हम इसको फिट करते हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इस टूल में आप देखिए, ये पिन भी इन्होंने इसीलिए दी है जिससे कि आप इसको लगा के इसको खोल सकें, तो ये इसका यूज़ है। तो अब हम इसको फिट करेंगे। अब हम बाथरूम के पास आए, यहाँ पे मुझे इस वाले लॉक को आज चेंज करना है। ये लॉक हमारा ख़राब हो गया था जो अभी भी कभी कभी अटक जाता है। तो कारपेंटर को आप जब दिखाएंगे तो वो आपको कहेगा कि इस पूरे लॉक को ये बेकार हो गया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन इसको भी ओपन करके अगर आप कभी ऑयल डालेंगे तो ये भी फिर फंक्शनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी इस लॉक को निकालूंगा और जो नया लॉक लेके आया हूँ वो मैं इसमें वापस लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस लॉक को खोलना सीखेंगे, उसके बाद उसको फिट कैसे करते हैं नए वाले लॉक को वो देखेंगे। हाँ, तो अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये लॉक वाला पार्ट है, ये बटन वाला पार्ट है। सबसे पहले हम बीच वाले इस हिस्से को अनप्लग करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, एक ये और एक नीचे। इन दोनों को खोलने से ये वाला पार्ट लूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लूज़ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये अनस्क्रू हो गया और ये पूरा लूज हो गया है। ये अभी हमको इस वाले पार्ट को इससे बाहर निकालना है, तो उसके लिए मुझे ये वाले हिस्से को बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा जिससे ये बाहर आएगा। तो अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ। अब ये पिन से मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रेस करूँगा, इसको हल्का सा पुश करिए, ये इसे बाहर आ गया। तो अब ये इसको यहाँ से आप खोलेंगे इस वाले साइड से, यहाँ पे इसको हम लूज करके खोल सकते हैं। तो इसको हम खोलेंगे तो ये हिस्सा भी बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आया तो यहाँ पे दो पेच लगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इसकी वजह से ये यहाँ पे फिक्स है। इसको जैसे ही हम लूज करेंगे तो ये वाला पार्ट भी लूज हो जाएगा और फिर ये इजीली इजीली बाहर आ सकता है। तो अब मैं इसको खोलूंगा।
ये देखिए इसको खोलने से ही काफी लूज हो गया है। अब हमारा पहला काम है इसको, इस वाले हिस्से को यहाँ से बाहर निकालना। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको प्रेस कीजिए जिससे कि वो अंदर पुश होगा और फिर इजीली बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो इसको कभी भी निकालना हो तो उसका तरीका यही है कि पहले आप इसको प्रेस कीजिए जिससे कि ये वाला पार्ट अंदर की तरफ आए और फिर उसको आराम से निकाल लीजिए। जब हम इसको फिट करेंगे तब भी हम ऐसे ही फिट करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब इसको निकालना बहुत ईजी है। अब इसको मैं रख के उसको बाहर निकालूंगा। देखिए बाहर आ गया। अब ये लॉक बहुत ईजीली बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस लॉक को खोल लिया। अब मैं नए लॉक को खोल रहा हूँ जिससे कि इसको फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको प्रेस करूँगा और इसको बाहर निकालूँगा। फिर ये वाले हिस्से को बाहर निकाल के फिर हम इसको वापस उसकी जगह फिट करेंगे। तो अब मैं इसको, ये जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये लूज़ हो जाएगा और फिर इसको हम हल्का सा पुश करेंगे तो ये बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ही हमें प्रेस करना होता है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं वैसे तो आईटी फील्ड से हूँ, लेकिन इस तरह के घर की चीज़ों को फिक्स करना मुझे, मेरी हॉबी है। और मैं आपको और भी अपने शेयर्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आगे। तो ये देखिए, अभी इसको हमने खोला और ये बाहर आ गया। इस वाले हिस्से को भी हम निकालेंगे और हम फिर वापस जैसे हमने पहले उसको निकाला था वैसे ही इसको लगा के फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम वापस अपने बाथरूम में आ गए जहाँ पे मैं ये लॉक लगा रहा था। तो अभी ये देखिए, की वाला पार्ट जो है बाहर रहेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा और दूसरा वाला हिस्सा जो बटन वाला हिस्सा है वो यहाँ पे रहेगा। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जब आप इसको फिट करेंगे तो ये जो हिस्सा है ये इस होल के सामने ही आना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा आपको ऐसे फिट करना है कि ये इसके सामने है। अगर ये आगे पीछे रहेगा तो जो ये वाला पार्ट है वो इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तब ये देखिए, ये इसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया। तो ये जो आपको स्टील वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो हमारा इस होल के सामने रहना चाहिए। अब दूसरा ये है कि मैं इसको अभी टाइट नहीं करूँगा, इसको थोड़ा लूज रखेंगे जिससे कि जब यहाँ से हम इसके लॉक के जो पार्ट को हम जब अंदर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ से वो ईजीली कनेक्ट हो जाए। तो अभी मैं पहले इसको सिर्फ हल्का सा जो इसका पेच है उससे जस्ट इसको लगा दूंगा, रोक दूंगा बस। तो फ्रेंड्स, ये पेच मैंने ले लिया। जब आप लॉक को ख़रीदते हैं तो आपके उसके साथ ये पेचेस सारे मिलते हैं। अब ये देखिए, इसको यहाँ से मैंने लगाया और अब मैं इसको हल्का सा फिक्स कर दूंगा, हल्का सा, टाइट नहीं करेंगे अब इसको। तो ये देखिए, ऐसे यहाँ पे ये दोनों मैंने पेच लगा दिए और ये इसने लॉक को अटका दिया, यहाँ पे फिक्स हो गया। ये टाइट नहीं है, अभी लूज है, जिससे कि हम इसको इजीली अरेंज कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला स्टेप है इस हिस्से में, इस एरिए को इसको लगाना। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है इसको पुश करेंगे जिससे कि पीछे की पत्ती बाहर आ गई है। अब इसको हमें इस वाले जैक में इंसर्ट करके फंसाना है, तो वो हम करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, उसको जब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी तो ये ठीक से लग नहीं पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा लंबा है और अगर आप इसको पुराने वाले से कंपेयर करेंगे तो वो इसके मुकाबले छोटा था। तो इसकी जो गहराई है वो कम है, तो इसलिए ये वाला नहीं लग पाएगा। इसीलिए मैं पुराने वाले इस नॉब को इसमें फिट कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि जब कभी भी हम मार्केट जाएं तो पूरा लॉक अपने साथ लेके जाइए जिससे कि ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको वापस लगाऊंगा तो फिर
इसका रूल यही है कि आप इसको दबाइए जिससे ये पत्ती पीछे आ गई, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस लगाता हूँ। ये देखिए इसमें फिट हो गया। अब इसको घुमाऊंगा तो ये अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से कनेक्ट हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जब इतना हिस्सा हो गया मतलब आपका लॉक लगभग लग गया है। अब हमें सिर्फ पीछे वाले पेच जो हमने रखे थे इसको टाइट करना है, और यहाँ पे पेच और यहाँ पे पेच को वापस टाइट कर देना है। इतना ही हमारा काम बचा है। तो वो ये मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। इसको अच्छे से टाइट कीजिए। अब ये पूरी तरह से इसमें लग गया है ये वाला हिस्सा। अब मैं इसको यहाँ पे पेच लगाऊंगा। ये टाइट हो गया। अब इसको आप घुमा के देखिए तो ये अंदर जा रहा है। अब ये वाला हिस्सा भी टाइट हो गया, बस अब हमें इसका कैप लगाना है। टाइट हो गया। अब इसको वापस लगाएंगे तो ये वाला पार्ट इस होल के नीचे आना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लगाएंगे, धीरे से अंदर लेंगे और अब प्रेस कर दीजिए तो ये फिट हो गया। अब देखिए आपका लॉक रेडी है। इसको घुमाएंगे, लॉक घूम रहा है। थोड़ा सा दूर से पूरा टाइट हो गया, लॉक हो गया, खुल गया। यहाँ से ये हमारा रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि कैसे इस सिलेंड्रिकल लॉक को लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। आगे मैं अपने और इस तरह के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और एक मेरा सजेशन है कि जैसे हमारे को एक चैलेंज आया, तो जो आपका पुराना लॉक है तो उसको ऐसे ही रखें, जिससे कि कभी कुछ इस तरह का कुछ पार्ट आपको रीयूज़ करना होता है वो कर सकते हैं। थैंक यू।